रोड बह गई है और रास्ता नहीं है गाड़ी का, ये पूरा रोड टूट गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जुम्मे को क्वेटा निकलना था लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से क्वेटा नहीं निकल सके। उसके बाद कल हफ्ता था और पूरा दिन इसी सोच में गुजर गया कि कहाँ जाएँ। तो फाइनली आज संडे है 30 अप्रैल और रनीकोट फोर्ट के ट्रिप के लिए निकल चुके हैं। रात आज वहाँ कैंपिंग करेंगे। तो इस वक्त हम जामशोरों पे हैं, यहाँ सलार रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हमने ब्रेक लिया। तो बस यहाँ से अभी आगे निकलेंगे, रनीकोट फोर्ट की तरफ निकलेंगे। सुबह 8:30 बजे निकले थे, इस वक्त तकरीबन सुबह के 11 बज रहे हैं और होपफुली अगले 2 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम जो वॉल ऑफ सिंध है, रनीकोट फोर्ट की वॉल है, वहाँ पहुँच जाएँगे। तो वहाँ पहुँचते हैं तो आपको आगे के सीन्स दिखाते हैं। और लास्ट जो ट्रिप हमने वहाँ किया था तो सैलाब, जो पिछले साल सैलाब आया था उससे पहले हम गए थे। उसके बाद वहाँ पे फ्लड की कैफियत थी और काफ़ी पानी खड़ा हुआ था। तो अब जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है और गाड़ियाँ वहाँ से गुजर सकती हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह आपको अपडेट करते हैं। तो जी अभी यहाँ सन बाज़ार पे रुके हैं हम लोग और यहाँ से मसाला वसाला और चिकन वगैरह ले रहे हैं क्योंकि रात को कुकिंग करनी है रनीकोट फोर्ट पे। तो यहाँ से ले ली हैं चीज़ें, जस्ट अभी गैस भरवाना बाकी है सिलेंडर में, बाकी चिकन ले ली है और सब्ज़ी वगैरह ले ली है। तो बस अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और लंच करेंगे रनीकोट फोर्ट के मोड़ पर और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं रनीकोट के मोड़ पर, ये यहाँ से पीछे मोड़ जा रहा है रनीकोट फोर्ट के लिए और ये पीछे राज रनीकोट फोर्ट रेस्टोरेंट है जहाँ पे अभी हम थोड़ा सा लंच का ब्रेक लिया है। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, फुल क्लाउडी वेदर है और मेरे ख्याल से आगे शायद बारिश भी हो रही है। तो बस यहाँ भी यहाँ लंच करेंगे, हल्का फुल्का करना है, भूख तो नहीं है, 12:30 बज रहे हैं। लंच करके फिर आगे बढ़ेंगे, आधे घंटे का और 1.25 घंटे का रास्ता और है आगे। तो ये यहाँ का सीन है, बड़ा अच्छा इन्होंने वुडन रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। तो बस खाना खाते हैं और खाना खा के यहाँ से आगे निकलते हैं और आगे का आपको सीन दिखाते हैं कि आगे क्या सीन चल रहा है। भाई ये सीन है, यहाँ पे रोड बह गई है और रास्ता नहीं है गाड़ी का, तो आगे रनीकोट नहीं जा सकते। हाँ ये भाई हैं, इन्होंने इन्फॉर्म किया है, नहीं है भाई आगे कोई रास्ता नहीं आ रही है, नदी आ रही है, ये बारिश की वजह से यहाँ पे नदी आई है, तो चढ़ी हुई है आगे रास्ता नहीं। रास्ते से कौन निकलेगा इस रास्ते में, ये देखो भाई ये पूरा रोड टूट गया है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? हम टिंडा उठाते हैं। अच्छा सब्जी लेना है कराची? अच्छा अच्छा सब्जी लेने जा रहे हो भाई, ये सीन है, रोड नहीं है यहाँ पे, गाड़ी नहीं जा सकती। बाइक होती तो शायद चले जाती लेकिन गाड़ी नहीं जा सकती, ये बड़ा बैड सीन हो गया। तो भाई प्लान हमारा हो गया ख़राब, अब वापसी ही जाना पड़ेगा और दूसरा कोई अल्टरनेट अभी ऑप्शन है नहीं कि जहाँ पे इस वक्त हम मूव करें। तो इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। साहिद भाई क्या करें, क्या करना है? दूसरा ऑप्शन यहाँ से थरपारकर की साइड गए, यहीं से हम थरपारकर के लिए वापस जाना पड़ेगा हैदराबाद की साइड, हैदराबाद मीरपुर खास वहाँ से मिट्टी, अगर तो एक रात गुजारनी है चलते हैं थरपारकर चलते हैं, ठीक है? हाँ क्योंकि फिर यहाँ तो वहाँ फिर ये कि होटल में स्टे करना पड़ेगा, कुकिंग हम कर लेंगे, कुकिंग का मसला नहीं है, ठीक है? वो रूपलोकोली पे रुकेंगे वो तो बहुत आगे नगर पारकर, रात हो जाएगी वहाँ मस्त मस्त। चलें इसको यहाँ पे एंड करते हैं, सेपरेटली व्लॉग बनाऊँगा मैं उसके लिए, अब जहाँ भी जाते हैं आगे। वेरी बैड।